इच्छाएं पूरी नहीं होती है तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छाएं पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर तरह की परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठता है। आप बधाई के पात्र हैं। आधा काम ना करें। प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। कोरोना के इस संकट की घड़ी में हरिद्वार प्रशासन भी सामाजिक संस्था के सहयोग से गरीबों व जरूरतमंदों को कच्चा राशन उपलब्ध करवा रहा है। ज्वालापुर में लगभग 40 परिवारों को मदद के तौर पर रसद उपलब्ध कराई गई। इस दौरान हरिद्वार के एडीएम के मिश्र के द्वारा राशन वितरित करवाया गया। साथ ही उन्होंने कहा, कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश में जनता परेशान है, ऐसे में प्रशासन पूरी तरह से लोगों की दिक्कतों को दूर करने में लगा हुआ है। देखिए, कई दिनों से सूचना भी मिल रही थी कि प्रशासन या विभिन्न सहयोग से भोजन वितरण होता है तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जाता है, तो एक उद्देश्य ये भी था। दूसरे, हमारे नेहरू युवा केंद्र के ये लोग हैं स्वयंसेवी, इन्होंने और एक स्वयंसेवी हैं, उन्होंने कहा कि हम कुछ गरीब लोगों को राशन वितरित करना चाहते हैं, तो इन दोनों उद्देश्य के साथ हम लोग यहाँ पे आए, जैसा आप देख रहे हैं, और प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इनको जो सरकार द्वारा जो अनुमन्य किट है कि उसमें जो जो राशन की सामग्री गेहूँ चावल दाल जो अनुमन्य मात्रा में है वो इनको दिया गया है, और ये इनको ये भी बताया गया है कि ये जो है कुछ ये भी शिकायतें आ रही है कहीं कहीं से कि लोग स्टोर कर रहे हैं अथवा बेच भी दे रहे हैं, तो वो इनको बताया गया, इनके द्वारा इन सब चीज़ों से मना किया जा रहा है, और प्रशासन के विभिन्न अंग जो है, चाहे पुलिस हो या और भी जो लोग लगे हुए हैं, वो इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं कि कोई ऐसा ना करने पाए, और इनको साथ में ये भी बताया गया कि वो अपने घरों पे ही रहेंगे और जो भी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं उसका पालन करें। लोगों से अपील है, लॉकडाउन का ठीक तरह से पालन करें, सोशल डिस्टेंस का भी ध्यान रखें। साथ ही उन्होंने कहा, कई जगह से शिकायत मिल रही है कि जो राशन प्रशासन व सामाजिक संस्थाओं द्वारा दिया जा रहा है उसे कई लोग स्टोर करने के साथ साथ बेच भी रहे हैं। ये जो आप बस्ती देख रहे हैं, यहाँ पे लगभग 29 परिवार हैं। ये ऐसे परिवार हैं जो रोजमर्रा की डेली लाइफ, डेली बेस पे अपना काम चला रहे हैं। कोई रेड़ा लगाता है, कोई छोटी मोटी दवाई बनाता है या फिर कूड़ा भीनता है, तो इन ये ऐसे लोग थे जिनको काफ़ी समय से राशन नहीं मिल पा रहा था। संस्था ने आगे ये बात करी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात करी, और CHO सर जो हमारे नरेंद्र यादव सर हैं उनकी मदद से, ADM सर की मदद से हमने आज इनको राशन वितरित कराया है। सबका नाम इको एडवेंचर एंड वेलफेयर सोसाइटी देहरादून बेस्ड है, और हम समाज कल्याण के लिए काम करते हैं, गरीब बच्चों के लिए और इकोलॉजिकल अवेयरनेस के लिए। तो अभी हम DM ऑफिस गए थे इस परमिशन लेने के लिए, तब यहाँ से हमें इनसे संपर्क हुआ नरेंद्र जी सर, उन्होंने बताया कि यहाँ पर बहुत निधि लोग हैं, तो यहाँ पर हमने फिर उपलब्ध कराया, तो 40 पैकेट्स करीब हमने आज कराए, और आगे भी हमारी मंशा है कि करीब 1000 और लोगों को ये खाना बांटा जाए, जिसकी अब मॉनिटरिंग की जा रही है। इस दौरान उद्यान अधिकारी नरेंद्र यादव और राशन वितरण करने वाली संस्था के माइकल सिंह और नेहरू युवा केंद्र से जनपद समन्वयक अंकिता कोठियाल व मनु काजल भी मौजूद रही। ब्यूरो रिपोर्ट, BHBC न्यूज। प्रधानमंत्री के 24 मार्च को पूरे भारत में 21 दिनों तक लॉकडाउन की घोषणा के बाद BHBC न्यूज आपसे अपील करता है कि आप लोग लॉकडाउन का पालन करें। जिस परिस्थिति से देश इस वक्त गुजर रहा है उसमें आपका सहयोग अति आवश्यक है। अगर आप किसी आपात स्थिति से घर से बाहर निकल रहे हैं तो अपने साथ सैनिटाइजर और मास्क पहनकर बाहर निकलें और आपस में दूरी बनाए रखें। साथ ही जो सामान ले रहे हैं उसे भी सैनिटाइज करें। पूरे देश को आपके सहयोग की अति आवश्यकता है। याद रहे, आपसे आपके अपनों को खतरा है। ऐसी विकराल परिस्थिति में आपके अपने देवता स्वरूप डॉक्टर, सुरक्षा कर्मी, प्रशासन और मीडिया कर्मी अपनों से दूर रहकर भी आप तक हर संभव प्रयास पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस मुश्किल घड़ी में आप सभी लोग अपने धैर्य और संयम का परिचय दें और दुनिया में भारत की एक मिसाल पेश करें।